How did this happen? अगर तुमने मुझे पहले कुछ बताया होता तो we could have handled it, no? Fando, I never wanted to give you any kind of stress. पता नहीं कैसे रोमी ने last moment पर आके सब कुछ पलट दिया. मेरा plan एकदम foolproof था. मैं तो खुद ही सभी board members को restaurant में लेकर गया था, ताकि हम लोग रोमी को उसके पूरे गैंग के साथ रंगे हाथों पकड़ सके. I tell you, उसने झूठ बोलकर फंसाया है मुझे. The hell does he think of himself? कितना बेशरम इंसान है. And Bala, he's got everything against you. उसके पास proof है. उसके पास photo है proof के तौर पे. God, इतने साल का reputation, इतने साल का hard work, everything will just finish. I think मुझे ईशु को phone करना चाहिए. No, Vandu, what are you saying here? ईशु को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है. नो बाला प्लीज. बंदू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. बहुत मुश्किल से इशिता की फैमिली लाइफ अब ट्रैक पर आने वाली है. पहले परम का केस और अब रोमी. नो, नॉट एट ऑल. और वैसे भी हम लोगों के पास रोमी के खिलाफ अभी कोई सबूत नहीं है. अगर बिना सबूत के इशिता रोमी पर उंगली उठाएगी तो पूरी की पूरी भल्ला फैमिली इशिता से नफरत करने लगेगी. और रमन तो ईशु को फिर कभी माफ ही नहीं करेगा. पर हम सच कैसे सामने लेकर आएंगे बाला? रुक, क्यों छुपा रहा है? ओ तेरी, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? हाँ, कहाँ लौट भटक आया? कुछ नहीं देखी. सुबह से तेरे दोस्त बंटी ने मुझे फोन कर करके कान खाए हुए हैं. कहाँ गया था? क्या हुआ है? ओए, बोलना खोतिया, क्यों यार? देख, यूँ टेंशन मत दे. ओए, ये बहन को नहीं बताएगा? बता बेटा. हाँ? यार बहन तो मेरी है. भाभी के ससुराल वालों के खिलाफ मेरी ही साइड लेगी. रोमी शुरू हो जा. बहना प्लीज मुझे बचा लेना प्लीज. तुम टेंशन मत लो, सब ठीक होगा. बाला बहुत ऑनेस्ट है. ये लोग ने उस पर ब्लेम कर दिया. तुम उसका साथ रहो. डोंट वरी. कावला पड़ाड़ी ले, ईशु को कुछ नहीं बताऊंगी. अच्छा अच्छा, बादराव बादराव बादराव. अयो ईशु, अब वो मायरे रमन के लिए रसम बनाया है. उसको अच्छा लगता है ना? क्या बात है अम्मा, क्या नहीं बताना चाह रहे हो आप मुझे? है ना जी अम्मा, बाला जीजू और बंधु बक्का के साथ क्या हुआ है? Tell me ना. अम्मा, तुमने कल क्या बोला? तुम्हारे घर के मामले में बिल्कुल ध्यान नहीं देना. तो आप हमारे मेरे घर के बारे में क्यों पूछ रही है? याद है आप मुझसे ऐसे बात करेंगे अभी अम्मा? अम्मा टेल मी, क्या बात है? क्या हुआ है जीजू रक्का के साथ में? इतना सब कुछ हो गया हमारी नाक के नीचे और हमें पता भी नहीं लगा. उसने इतना बड़ा धोखा दिया हमें. माय गॉड, पापा जी का क्या होगा जब उन्हें सब सच पता चलेगा? कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी रोमी से. बेचारे जीजू अक्का, कितनी हेल्प की उन्होंने मेरी अब तक. और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? हाथ में हाथ धर के बैठी हूँ. अम्मा, मुझे बात करनी होगी दोनों से अभी. ले ले ईशु, ना माँ, वो लोग बहुत अपसेट है. और वंदु ने मुझे बोला था ईशु को कुछ मत बताना. वो तुमको कॉल करेगी, तुम उसके कॉल का वेट करो. तब तक कुछ मत करना. सैरी सैरी अम्मा, नहीं बात करूंगी उनसे भी. लेकिन अम्मा, और कोई है ऐसा जिससे मुझे बात करनी होगी अब भी क्या? अब भी. ए, कहाँ जा रहे हो? मुझे रोमी से बात करनी है. कोई जरूरत नहीं है. उसे अकेला छोड़ दो, समझी? अकेला छोड़ दो मतलब? मतलब वो जो है जैसा है, उसके पास मत जाना, समझी? मतलब उसने तुम्हें सब कुछ बताया, उसके बाद भी तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? वो मेरा देवर है, मेरे भाई जैसा है. मैं उसे कोई गलत काम नहीं करने दे सकती हूँ. और तुम उसका साथ कैसे दे रही हो? तुम्हें और मुझे मिलकर उसे समझाना चाहिए कि काम गलत है. एक्चुअली हम सब गलत है. इस घर में जो भी होता है सब गलत होता है. सही हो तो तुम हो. ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है सिमी. मेरे जीजू और अक्का की जॉब खतरे में है. उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसके कारण। I really don't care। मुझे बात करनी है रूही से। इशिता, वो अपना काम रमन और रूही तक सीमित रखो, सबका भीड़ मत उठाओ, समझी? घर में इतना कुछ हो गया तुम मुझे आप बता रही, हाँ? तुम लोगों को बात समझ में क्यों नहीं आती, हाँ? मुझे हर बात आखिर में पता चलना जरूरी है क्या? अगर बाला से मैं इतनी बार पूछ चुका हूँ रोमी के बारे में, कॉलेज के बारे में, मुझे पहले बोल देता तो मैं पहले रोमी के कान पकड़ लेता ना, उसकी अकल ठिकाना जाती। लेकिन नहीं, तुम्हारे मुच्छर जीता को क्या लगता है जेम्स बॉन्ड है वो, अकेला केस सॉल्व कर लेगा। पूरे खानदान ने नौटंकी पास पैदा किया हुआ है, सबको एक्टिंग का शौक लग गया। अब मैं देखता हूँ रोमी को। रोमी, रोमी! तो क्या हुआ पुत्र? रोमी, क्या हुआ? क्या कमी रह गई? तूने जो मांगा तुझे दिया, तेरी हर ख्वाहिश पूरी की। तूने क्या किया? उन पैसों से प्रोफेसर को खरीद के घूसखोरी की तूने। मम्मी, रमन सही बोल रहा है? अरे बोल, तुझे ये सब कुछ किसने बोला? एक मिनट बाप, आज कोई बीच में नहीं बोलेगा। आज ये अपनी गलती कबूल करेगा। आपके और पापा के पहले से सर पे चढ़ा रखा है। हाँ? ये सीख मिली तुझे इस घर से? हाँ? पढ़ाई करने जाता ना कॉलेज में, तो पूछे अपने बेटे से, माँ कौन सी पढ़ाई की इसने? पापा पूछ के थक गए ना कि एग्जाम कैसी चल रही, पढ़ाई क्यों नहीं कर लेता। पढ़ाई एक रत्ती भर की नहीं की इसने। मेरे दिए गए पैसों से प्रोफेसर को घूस दिया इसने, और तो और इस कमीने ने पेपर लीक करने की कोशिश की है। और पापा, यहाँ इसकी कमीनगी खत्म नहीं होती। अरे इसने बाला तक को खरीदने की कोशिश की। जब बाला ने इसका पर्दाफाश करना चाहा तो इस खुराफाती दिमाग ने उल्टी चाल चलके बाला को फंसा दिया। शट अप! आज मार डालूंगा तुझे, बीच में बोला तो काट दूंगा तुझे मैं यहीं। शर्म आती है मुझे अपना भाई कहते हुए तुझे? ऐसे बेटे को पैदा किया आपने, क्रिमिनल को। वाह वाह भाई, मानना पड़ेगा इस मदरासा ने क्या गुत्थी पढ़ाई आपको। अपने घर वालों पर शक कर रहे हो, हाँ? एक बार भी अपने भाई से पूछा? सिमी चुप, तू कुछ जानती नहीं, इस बार बीच में मत आ। हाँ, सत्यवादी तो ये लोग हैं ना, ये मद्रासी लोग। भाई, इन्होंने कई बार हमारे घर पर इल्जाम लगाए और हमने सब मान लिए। मेरी शादी टूट गई इनके वजह से, और अब इनकी नजर रोमी पर है। सिमी, 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 तू सही है, तेरी बीवी सही है, उनके रिश्तेदार सही है। सिमी, 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 देख, ऐसा नहीं। सिमी, अगर अपनों की गलती पर पर्दा डालेगी तो बाद में पछतावा हमें होगा। इसको आज बचा लिया ना तो याद रखें, कल जाकर ये भी परम जैसे हरकत करेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या मुंह दिखाएंगे हम बाहर वालों को, हाँ? क्यों? तेरी बीवी ने ठेका लिया है भल्ला परिवार को सुधारने का, हुँ? हम सब गए गुजरे हैं, सिर्फ यही ठीक है। बस इशिता, और बीच में मत बोलना। ने पहले भी मेरे घर में बहुत आग लगाई, अब और नहीं करनी। इससे पहले कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूं, इससे बात मत कर ले। तो बोल, सच क्या है बोल। भाई, सिमी, तुझे एक बार कह दिया ना मैंने, बीच में मत आना। सच बोल, सच बोल, वरना यही काट दूंगा तुझे मैं। भाई, इस बार मैंने कुछ नहीं किया भाई। मैंने बाला ने मुझसे पैसे मांगे, झूठ पे झूठ। प्लीज रमन,